मोटापा एक तरीके से कहें कि पेंडेमिक बन चुका है इस वक्त संसार में, इतनी तेजी से फैल रहा है। पीडियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन हैं आप, है ना, तो ये अपने में बड़ा एक अलग सा चीज़ है जो मैंने खुद भी सुनी। इवन आज तक मैं 13 डॉक्टर्स को ऑपरेट कर चुका हूँ जिन्होंने अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी करवाई है। और ये खाली मोटापा नहीं बढ़ रहा, मोटापे के साथ होने वाली कई बीमारियाँ जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, नी रिप्लेसमेंट, घुटनों का दर्द, स्पाइन के इश्यूज, PCOD, इनफर्टिलिटी, लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो ये बताइए आप, मोटापा कम करने के लिए अभी प्रेजेंटली ट्रेडिशनल कौन से तरीके हैं, और या मेडिसिनल भी अगर हम देखें तो कौन से वो तरीके जो आम तौर पे ज़्यादा प्रचलित है अभी? और शॉर्ट समय के टारगेट बन डालिए कि आप 2 महीने में वेट कम करना चाहते हैं, इसको लंबा टाइम दीजिए, क्योंकि जितने टाइम में वेट बढ़ा है उतना टाइम उसको कम होने में लगेगा। और इस सब सर्जरी के माध्यम से जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो अपना 70% जो एक्सेस वेट है, यानी अगर किसी पेशेंट को 80 किलो वेट कम करना है या 100 किलो वजन कम भी करना है तो भी सर्जरी के माध्यम से अपना वजन कम कर सकता है। एक जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें वो चर्बी वगैरह निकालते हैं डॉक्टर, अंदर सुई साठ कुछ डालते हैं, वो क्या चीज़ होती है, और पीडियाट्रिक सर्जरी उसमें आप क्या करते हैं? लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जो फूडी हैं, जो जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जो चाहते हैं कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करना चाहते और स्टिल वो वजन कम करना चाहते हैं, या मेडिसिन लेने या इंसुलिन लेने के बावजूद भी अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं आ रही हैं तो उन पेशेंट्स के लिए भी एक ट्रीटमेंट है। जैसे अरुण जेटली का इन्होंने नाम लिया, तो वो भी पहले इस सर्जरी को करवाने वाले सर, जो पीडियाट्रिक सर्जरी होता है वो उसमें भी चीरा लगाते हैं पेट में, इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक बार सर्जरी करवाई तो उसके बाद फिर से वो पेशेंट आपके पास आएगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी? और भी कई लोग एकदम से अपना खाना पीना ही छोड़ देते हैं, एकदम सूप पे आ जाते हैं, सैलेड पे आ जाते हैं, फिर उससे भी उनकी वीकनेस आ जाती है बॉडी में। इनोवेटिव सा आइडिया है, जैसे मतलब पहले ही पेट में कुछ भर देना ताकि उसकी कैपेसिटी कम हो। उसके लिए कोई सर्जरी नहीं है, कोई एंडोस्कोपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूके की सरकार प्रमोट कर रही है कि लोग अपना वजन कम कर रहे हैं, वजन कम करने के जो डाइट प्लान होते हैं पहले उससे प्रमोट किया जा रहा है, अगर उससे उनका वजन कम नहीं होता तो उन्हें आगे जो पीडियाट्रिक सर्जरी नाम की एक सर्जरी है, आपको मैं बहुत ही एक रोचक जानकारी बताऊंगा इस पूरे एपिसोड में। मोटापे से अगर आप जूझ रहे हैं, आपके आसपास के कोई जूझ रहे हैं, आप ज़रूर उसको पूरा देखिएगा। वापस यूके पे चलते हैं, तो यूके की सरकार जो है प्रमोट कर रही है इस चीज़ को और सब्सिडी भी दे रही है वहाँ पे लोगों को कि ये सर्जरी करवाएं। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार रहेंगे, मोटापे कारण आपको पता ही है कि कई अन्य प्रकार की बीमारियाँ भी शरीर में आती हैं। अब इंसान अगर बीमारियों से ग्रसित रहेंगे तो वो काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो दूरदर्शी सोच को रखते हुए वहाँ की सरकार ने अपने लोगों को मोटापे से बचने के लिए सबसे रेट पे सर्जरी का प्रावधान भी कर रखा है, और साथ ही साथ उनको डाइट प्लान अगर लेना वो भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दुबई में ये सर्जरी बहुत पॉपुलर हो रही है, पीडियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी इसका नाम है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे सर्जरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि लोग जो है मोटापे का शिकार बहुत ज़्यादा, मोटापा एक तरीके से कहें कि पेंडेमिक बन चुका है इस वक्त संसार में, इतनी तेज़ी से फैल रहा है। अब यूके की अगर बात करें तो वहाँ पे क्योंकि सरकार प्रमोट कर रही है, लोगों की वेट लिस्ट बहुत लंबी है, तो भाई लोग भी है वो दूसरे कंट्रीज़ में इलाज करवा रहे हैं। और इंडिया, आपको पता ही हमारा देश इन सर्जरी के मामले में यहाँ पे पहले भी बाहर से विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि जो यहाँ सर्जरी होती है नॉट ओनली पीडियाट्रिक सर्जरी, अन्य प्रकार की सर्जरियाँ भी वहाँ के देश के मुकाबले सस्ती होती है, तो लोग यहाँ पे आते हैं। मेडिकल टूरिज़्म एक टर्म चली थी पीछे भी। अब जो मेरे साथ बैठे हैं इनका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, डॉक्टर अमित गर्ग हैं मेरे साथ में, ये पीडियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन है लिवासा अस्पताल चंडीगढ़ में, लिवासा जो पहले IVY अस्पताल था। बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात इन्होंने मेरे को बताई थी थोड़ी देर पहले, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये कह रहे थे कि देखो, एक मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको तमाम तरीके की बीमारियां होती है। देखिए, फैटी लीवर की बीमारी, खराटे आते हैं लोगों को, PCOD, नी रिप्लेस करनी पड़ जाती है, बच्चा कंसीव करना हो तो कंसीव करने में दिक्कत आती है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं एक अकेले मोटापे की वजह से। तो क्या है पीडियाट्रिक सर्जरी, क्या है मेटाबॉलिक सर्जरी? मेटाबॉलिक सर्जरी मैं बताऊं, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए होती है। इंडिया में अभी भी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अवेयर भी हों और आपको मालूम चले कि एक ऐसी सर्जरी भी है जिससे आप मोटापा कम कर सकते हैं और साथ ही डायबिटीज़ को भी हरा सकते हैं। बाकी चलिए डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे, अमित गर्ग जी से, कि क्या ये सर्जरी है और कैसे इसके फ़ायदे मिलते हैं। बाकी मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, डिस्प्ले में भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी है। आपको ज़्यादा जानकारी जो है वो आप सर से अगर लेनी हो तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन हैं आप, है ना, तो ये अपने में बड़ा एक अलग सा चीज़ है जो मैंने खुद भी सुनी। तो क्या है ये और क्या होती है सर जी पीडियाट्रिक की अगर बात करें?
ऐसा ही बैरियाट्रिक सर्जरीज पहले आज से पहले सबसे ज़्यादा कॉमन थी यूएस में, क्योंकि जो मोटापा था पहले यूएस में था, क्योंकि यूएस का जो लाइफस्टाइल था वो वेस्टर्नाइजेशन थी कि आप लोग घर पे नहीं खाना बनाते, बाहर गए तो पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया। बट अब ये धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडिया में आ रहा है। तो आपने कॉमनली देखा होगा पिछले 10 से 15 सालों में कितने हमारे जो वेस्टर्न आउटलेट्स हैं वो खुल गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का खाना पीना बाहर का हो गया, जंक फूड ज़्यादा हो गया है, हाई कैलरी डाइट हो गई है, आपका जो लाइफस्टाइल है फ़ोन्स की वजह से सेडेंटरी हो गया है। तो जिसकी वजह चलते लोगों में मोटापा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये खाली मोटापा नहीं बढ़ रहा, मोटापे के साथ होने वाली कई बीमारियाँ जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, नी रिप्लेसमेंट, घुटनों का दर्द, स्पाइन के इश्यूज़, PCOD, इनफर्टिलिटी, लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल भी नहीं ली फिर भी उनका लीवर ख़राब हो रहा है, उसको कहते हैं फैटी लीवर डिजीज़। क्योंकि आपके वेट बढ़ने से क्या हुआ, आपके पेट में फैट बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो रहा है। स्लीप एपनिया एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि मोटापे की वजह से आपका इतना वेट बढ़ जाता है कि आपका फेस पे भी फैट आ जाता है, और लोग क्या है बैठे बैठे सो जाते हैं, खराटे आते हैं उनको, रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते। ये सारी बीमारियाँ मोटापे से होने वाली हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 13 प्रकार के जो कैंसर हैं वो मोटापे से एसोसिएटेड हैं। सो जो हम बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी अवेयरनेस है, उसका रीज़न क्या है कि अगर आप मोटापे से छुटकारा पा लेते हैं या किसी भी तरीके से अपना वजन कम कर लेते हैं तो मोटापे से होने वाली कई बीमारियों से आप बच सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों में डिप्रेशन है मोटापे की वजह से, वो दूर हो सकता है। कुछ लोगों को उनके साइज़ के कपड़े नहीं मिलते, ऐसे बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स हैं जो वज़न कम करने से हमें मिल सकते हैं। सर अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, देखिए पहले तो ये बताइए आप मोटापा कम करने के लिए अभी प्रेजेंटली ट्रेडिशनल कौन से तरीके हैं, और या मेडिसिनल भी अगर हम देखें तो कौन से वो तरीके हैं जो आमतौर पर ज़्यादा प्रचलित हैं अभी। सर देखो इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मोटापा जो है उसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 ओबेसिटी, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 ओबेसिटी तब होती है जब आपका 10 से 15 किलो ओवरवेट हो, तो वो स्टेज ऐसी है जहाँ पे आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर और एक्सरसाइज करके अपना वजन कम कर सकते हैं। सो डाइट में मैं लोगों को यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि सिर्फ आप हाई कैलोरी डाइट यानी कि मीठा जो है वो कम कर सकते हैं, जैसे कि जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, आपकी चाय ज़्यादा या बिस्कुट्स, मतलब हाई कैलोरी डाइट को आप कम कर सकते हैं। इसमें भी आर्टिफिशियल शुगर हो, आर्टिफिशियल शुगर हो, प्लस आप जो अपना रेगुलर 30 मिनट्स की वॉक रखें तो आपका वेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होगा। उसको बहुत शॉर्ट समय के टारगेट डालिए कि आप 2 महीने में वेट कम करना चाहते हैं, इसको लंबा टाइम दीजिए, क्योंकि जितने टाइम में वेट बढ़ा है उतना टाइम उसको कम होने में लगेगा। सो आपको हेल्दी ईटिंग और लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन जो पेशेंट्स 40 से 50 किलो ओवरवेट हैं, जिसको मॉर्बिड ओबेसिटी भी कह देते हैं, उनमें डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में कई प्रकार के हार्मोन्स बन जाते हैं जो हमारा वजन कम नहीं होने देते। ऐसे पेशेंट्स के लिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक ही ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी, जिसको हम वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं। और इस सर्जरी के माध्यम से जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो अपना 70% जो एक्सेस वेट है, यानी अगर किसी पेशेंट को 80 किलो वेट कम करना है या 100 किलो वजन कम भी करना है तो वो इस सर्जरी के माध्यम से अपना वजन कम कर सकता है जी। और बैरियाट्रिक सर्जरी में आप एक्चुअली में करते क्या, जैसे एक जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसमें वो चर्बी वगैरह निकालते हैं डॉक्टर, अंदर सुई के साथ कुछ डालते हैं, वो क्या चीज़ होती है, और बैरियाट्रिक सर्जरी उसमें आप क्या करते हैं? देखिए जो हम अंदर सुई डाल के चर्बी निकालते हैं उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं, कि आपकी बॉडी में फैट भर गया और सिर्फ फैट रिमूव हो गया है। लेकिन ये फैट जो है वापस 2 से 3 साल में आ जाता है, क्योंकि आप प्राइमरी सिस्टम पर नहीं काम कर रहे। बैरियाट्रिक सर्जरी आपके प्राइमरी सिस्टम में काम करती है। इसमें 5 से 6 प्रकार की सर्जरीज हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट फूडी है, पेशेंट वॉल्यूमीटर है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स की डाइट बहुत ज़्यादा है, कुछ पेशेंट्स को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। सो जो पेशेंट वॉल्यूमीटर्स हैं, मतलब 6 से 7 रोटी एक टाइम पे खा लेते हैं, उनमें क्या है कि हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से उनके स्टमक का साइज़ बढ़ गया है। तो बैरियाट्रिक सर्जरी में ऐसे पेशेंट्स के लिए हम उनके स्टमक को रीसाइज कर देते हैं, मतलब उनके स्टमक को हम 70% रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होगा जो पेशेंट 7 रोटी या 6 रोटी खा के पेट भर रहा है उनको 1 से 2 रोटी खा के दे विल बी हैप्पी। तो उनको कोई वीकनेस नहीं आएगी, उनका एनर्जी लेवल पूरा रहेगा, उनकी भूख कम हो जाएगी, हंगर कंट्रोल हो जाएगी, और इसी तरीके से उनका वेट कम होता रहेगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जो फूडी हैं, जो जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जो चाहते हैं कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करना चाहते और स्टिल वो वजन कम करना चाहते हैं, तो उसमें सर्जरीज आ जाती हैं जैसे मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम अंदर आपका सिस्टम को रीरूट कर देते हैं, लाइक जो आपका खाना खाते हो, जो आपके इंटरस्टाइनल जूसेज हैं, हम उनकी मिक्सिंग को लेट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी खाओगे आपको कम लगेगा। सपोज आपने 2 चपाती खाई हैं तो आपको 1 ही लगेगी, आपने 3 खाई हैं तो आपको 1.5 लगेगी। तो ये सर्जरी काफ़ी पॉपुलर है पंजाब में,
और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करवाने के लिए कि डॉक्टर साहब मैं खाना भी चाहता हूँ और वेट लॉस भी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सारा बीटियाट्रिक सर्जरी का ही पार्ट है जी। दर्शकों देखिए, बीटियाट्रिक सर्जरी में अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे कि सर ने बताया, एक तो है कि पेट को ही आपके छोटा कर देंगे भाई, अगर पेट छोटा होगा तो भाई सामान भी छोटा ही आएगा, मतलब भोजन भी कम ही आएगा तो आपका वेट वैसे ही नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप भोजन के इतने शौकीन, जैसे बताया सर ने कि पंजाब में बड़ा फेमस है, पंजाबी लोग वैसे ही बड़े शौकीन होते हैं खाने पीने के, तो एक बाईपास सिस्टम ही कर देते हैं, इंटेस्टाइन और पूरा जो अंदर का सिस्टम है उसको रीरूट कर देते हैं, जिससे जो देखिए मोटापा क्यों होता है, हम खाना खाएंगे जो उसमें से कैलरीज हैं वो इंटेस्टाइन ही उसको सोखेगा और फिर वो शरीर में भरेगा, फैट हो गया, जो जो भी चीज़ें होगी, प्रोटीन हो गया, वो इंटेस्टाइन ही उसको उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालता है, तो उसको रीरूट कर देंगे तो भाई न्यूट्रिएंट उतने, मतलब उतना वो फैट वैट लगेगा ही नहीं आपके शरीर को, देसी भाषा में कहें तो लगेगा ही नहीं। तो ये होगी बीटियाट्रिक सर्जरी। अब मेटाबॉलिक सर्जरी की बात करते हैं, क्योंकि सर बीटियाट्रिक और मेटाबॉलिक दोनों के स्पेशलिस्ट हैं। सर, मेटाबॉलिक सर्जरी इज़ ओनली फॉर डायबिटीज़? सर, मेटाबॉलिक सर्जरी देखो वर्ल्ड वाइड, पहले खाली बैरियाट्रिक सर्जरी होती थी, लेकिन जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, इन सब चीज़ों ने मेटाबॉलिक वर्ड यूज़ किया है। द रीज़न इज़ इस सर्जरी से जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो भी लोग मधुमेह की बीमारी से हैं, जिनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, इंसुलिन लेनी पड़ती है, या जिनको डायबिटिक की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जैसे किसी की आंखों पे असर पड़ रहा है, किसी की घुटने अपना किडनीज ख़राब हो रही हैं, किसी के पाँव में जख्म हो रहे हैं, किसी को हार्ट का इशूज़ आ रहा है, या मेडिसिन लेने या इंसुलिन लेने के बावजूद भी अगर आपकी ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं आ रही हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए भी एक ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। मेटाबॉलिक सर्जरी मीन्स, इसको सिंपल भाषा में हम डायबिटिक सर्जरी भी कहते हैं या सर्जरी फॉर डायबिटीज़। इस सर्जरी का एडवांटेज ये है कि ये सर्जरी दूरबीन से की जाती है और इस सर्जरी के माध्यम से आपके 5 से 10 दिनों में आपकी जो ब्लड शुगर्स है वो नॉर्मल आ जाती हैं, आपकी इंसुलिन बंद हो जाती है, आपकी मेडिसिन छूट जाती हैं, तो इसीलिए इस सर्जरी को जो बहुत सारे लोग हैं ऑप्ट कर रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, आज से 10 साल पहले 2014 में अपने अरुण जेटली जी ने, मिस्टर जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सर्जरी अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए करवाई थी और उनमें मोटापा नहीं था, तो लेकिन किसी वजह से ये सर्जरी इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं या जो कुछ इंटेलिजेंट पेशेंट्स हैं, वो आज की डेट में भी हमारे पास ये सर्जरी के लिए आ रहे हैं। इवन आज तक मैं 13 डॉक्टर्स को ऑपरेट कर चुका हूँ जिन्होंने अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी करवाई है। और सर का मैं बताऊँ, सर काफ़ी सारी जो पंजाबी सेलिब्रिटीज़ हैं या जो जिन्हें आप कहते हैं इंटरनेट के सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका इलाज भी कर चुके हैं, कईयों का मोटापा कम कर चुके हैं बीटियाट्रिक सर्जरी से, कईयों की शुगर को कंट्रोल में ला चुके हैं मेटाबॉलिक सर्जरी से। तो जैसे अरुण जेटली का इन्होंने नाम लिया, तो वो भी पहले इस सर्जरी को करवाने वाले, सर से तो नहीं करवाई थी उन्होंने, अरुण जेटली जी ने, पर वो पहले थे देश में, मतलब जिन्होंने इस सर्जरी को, है ना, दिल्ली में। तो सर, इसके जो बीटियाट्रिक सर्जरी होती है, इसका तो आपने बता दिया, मेटाबॉलिक सर्जरी में सिर्फ मतलब आप एंडोस्कोपिक टाइप से करते हैं, लैप्रोस्कोपी से, जो बीटियाट्रिक सर्जरी होता है वो उसमें भी चीरा लगाते हैं पेट में? नहीं, दोनों सर्जरी, बैरियाट्रिक और डायबिटीज़ की, जो भी सर्जरी है मोटापे या डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं, ये सारी सर्जरी हम लैप्रोस्कोपी के लिए यानी दूरबीन के माध्यम से करते हैं। तो इसमें छोटे 5 से 10 mm के कम कट आते हैं, एक नॉर्मल जितना हमारा पेन होता है, पेन जितना सुराख होता है, और पेशेंट जो है सर्जरी के बाद 2 घंटे बाद चल फिर सकता है। टोटली ये ब्लडलेस सर्जरी है और ज़्यादातर जो पेशेंट है 3रे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं हमारे हॉस्पिटल से। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक बार सर्जरी करवाई तो उसके बाद फिर से वो पेशेंट आपके पास आएगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी? नहीं, यूजली ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिछले हम 12 साल से सर्जरीज कर रहे हैं, मैं 2000 से ज़्यादा ये बैरियाट्रिक सर्जरीज कर चुका हूँ, तो हमारा डेली रूटीन है, मतलब तो सर्जरीज उतनी सेफ है जितनी हमारी ये गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है या पित्त की थैली की सर्जरी जो हम करते हैं, तो उतनी ही सेफ से ये सर्जरी है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। और दोबारा वेट बढ़ने के जो चांसेस है वो भी बहुत कम है। मतलब मैं वही देख रहा हूँ सर, अवेयरनेस बहुत कम है इस इशू पे ना, कि लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरीके की भी चीज़ है, लोग ट्रेडिशनल मेथड में चले जाते हैं। और कई तो मैं देख रहा हूँ आजकल, देखिए कीटो डाइट के ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, कीटो डाइट प्लान लेते हैं, कीटो डाइट प्लान के अपने बोलते हैं साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और भी कई लोग एकदम से अपना खाना पीना ही छोड़ देते हैं, एकदम सूप पे आ जाते हैं, सैलेड पे आ जाते हैं, फिर उससे भी उनकी वीकनेस आ जाती है बॉडी में। बिल्कुल, तो यही डिफरेंस है। देखो, जो कीटो डाइट्स हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग है, या कोई बहुत सारे मतलब शेक्स आ रहे हैं, मतलब या मेडिसिन्स आ रही हैं, ये कोई भी जो चीज़ है ये ऑथेंटिकली FDA प्रूव नहीं है। लेकिन अगर मैं बैरियाट्रिक सर्जरी की बात करूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है, इसीलिए जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने ये सर्जरी को इंश्योरेंस में पूरा कर दिया है, क्योंकि मोटापा एक बीमारी है और उसका इलाज जो है वो इंश्योरेंस में कवर है। इसके अलावा ये सर्जरी हमारी जो पेशेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आते हैं या ECHS के अंडर आते हैं,
उनमें भी ये सर्जरी कवर है। उसका यही कारण है कि सिर्फ ये बैरियट्रिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन दी गई है और मोटापे के लिए लंबे समय तक यही इलाज माना गया है। जो लाइपोसक्शन है वो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, लेकिन बैरियट्रिक सर्जरी कवर्ड है। वाह, लाइपोसेक्शन, देखो जो मैंने शुरू में पूछा ना सर, वो एक सुई सी डालते हैं, कुछ चर्बी निकालते हैं, लाइपोसेक्शन इन सब में कवर नहीं इंश्योरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में, बट पीडियाट्रिक सर्जरी है। तो आप समझ सकते हैं कितना इसका साख है इस सर्जरी की। जैसे कि सर ने शुरू में बताया था कि US में ये काफ़ी पॉपुलर थी, अब जाके इंडिया में पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। सर अपने में बहुत ही एक रिनाउंड सर्जन है पूरे चंडीगढ़ के, पंजाब के, मतलब रिनाउंड एक डॉक्टर हैं, और इनके क्लाइंट मैं आपको बताऊँ, एक तो उनका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी होता है कि क्लाइंट्स का आप उनके नाम नहीं बता सकते हैं, तो मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ पर्सनली ये डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बताया काफ़ी अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज जिन्हें आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनके नाम बताए, वो इनसे अपना इलाज करवा चुके हैं। कल ही सर बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मैडम आ रही है कोई, है ना? आ रही है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से। सो अभी परसों ही मैं सर्जरी कर रहा हूँ, एक पेशेंट है ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, उनका वेट कुछ ज़्यादा नहीं है, उनका वेट सिर्फ 92 kgs है, बट उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, क्योंकि देखो जो फीमेल्स जो हैं स्पेशली वो 85-90 kgs पे करवा रहे हैं, चाहे उनको मोटापे से होने वाली कोई बीमारी है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो जो कॉमन एक लाइफ है वो 25 से लेकर 45 तक मैं मानता हूँ कि जो आपकी लाइफ है, जब आप अच्छा मतलब लाइफ जी सकते हैं, जो करना ऐश कर सकते हैं, ये अच्छा दिखना भी चाहते हैं। सो मैक्सिमम लोग जो हैं उनको उनके फिटनेस के कपड़े नहीं मिलते हैं, तो वो अच्छा दिखने के लिए भी सर्जरी करवाते हैं। बिल्कुल, ये भी बड़ा एक इशू होता है, ज़्यादातर महिलाएं अपने शादी के समय के कपड़े देखती हैं कि भाई मैं इसमें फ़िट हो जाती थी, और फिर वो सोचते हैं कि काश फिर से इसमें मैं दोबारा फ़िट हो जाऊं। बाकी सर ये बताइए कि जो कई लोग ना जैसे कई मेडिसिन लेते हैं वज़न कम करने के लिए, तो वो बड़े हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं मैंने सुना है, तो गलत है वो? बिल्कुल। सो मैं किसी भी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी मेडिसिन शेक्स या डॉक्टर की सलाह बिना या अपने सर्जन की सलाह बिना कुछ भी आप ट्राई करें। सो अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं या आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, आज ही आप अपने सर्जन से मिलें, उनसे बात करें, उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी ही सब कुछ है, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि मैं बात करूँ बैलूनिंग की, हमारे पास एक स्वेलो पिल है यानी कैप्सूल है, तो जिसको हम OPD प्रोसीजर में पेशेंट को अपने सामने बैठ के कैप्सूल खिला देते हैं, वो कैप्सूल अंदर जाके बैलून की शेप में बन जाता है, जिससे आपकी स्टमक की कैपेसिटी कम हो जाती है, और जैसे ही आपका वजन कम हो जाता है ये 4 से 5 महीने में अपने आप निकल जाता है डिजॉल्व होकर, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सो ऐसी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। बड़ा इनोवेटिव आइडिया है, जैसे मतलब पहले ही पेट में कुछ भर देना ताकि उसकी कैपेसिटी कम हो, उसके लिए कोई सर्जरी नहीं है, कोई एंडोस्कोपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कैप्सूल खाना है हमारी OPD में बैठकर। सर जो है ना, इनके पास सारे इलाज मिल जाएंगे भाई, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये बताएंगे कि आपको इस वाले ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बाकी सर अगर वैसे आप बताना चाहें, जो मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में भी बढ़ रहा है, क्या उसके कारण है? वो तो लाइफस्टाइल तो हमको पता ही है, तो क्या करें कि मतलब दिल है कि मानता नहीं, कहते ना पिज़्ज़ा बर्गर देख के ललचा जाता है, तो क्या करें? सर देखो, मैं सारे पेरेंट्स अपने व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ, सो जो भी मेरे को देख रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका परिवार हेल्दी है, वो सबसे बड़ी इंश्योरेंस आपके लिए। और अगर अपने बच्चों के लिए आप फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए पैसा कमा रहे हैं वो तो काम ठीक है आएगा, लेकिन अगर वो हेल्दी हैं तभी वो काम आएगा। सो अपने बच्चों की हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। अगर बच्चों में मोटापा है तो उनको कई बीमारियाँ, जैसे कि यंग बच्चों में डायबिटीज़ आ रही है 25 से 26 साल में, या 40 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये सब ना आए, क्योंकि ये बच्चे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, यही हमारा फ्यूचर है, तो अगर इनकी लंबी लाइफ होगी तभी हमारी नेशन आगे बढ़ सकती है। सर आखिरी क्वेश्चन है, जो दर्शक देख रहे हैं, जो कोई त्रस्त भी होंगे मोटापे से, कई उनके रिलेटिव्स या दोस्त होंगे, वो आपसे कंसल्ट कराना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, कैसे आपके पास पहुंचेंगे? सर देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि जो भी मोटापे और डायबिटिक पेशेंट है, जैसे कि दोनों बीमारी हैं, सो कोई किसी भी पेशेंट को मोटापे और शुगर के साथ लाइफ जीने का मतलब सेंस नहीं है। अगर आप मोटापे से और शुगर से पीड़ित हैं, आप इसका आज ही इलाज करवाइए, अपने सर्जन से मिलिए। तो आप कोई भी हमें कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं डॉक्टर अमित गर्ग मोहाली, या आप हमारा YouTube चैनल भी है मेरे नाम पे डॉक्टर अमित गर्ग, जिसमें कम से कम 500-600 वीडियोज़ हैं जिन पेशेंट्स ने ऑपरेट कराया आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, या जिन्होंने डायबिटीज़ की सर्जरी कराई है, आप उनके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम सर्जरी कैसे करते हैं, आप उनकी वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं, हमारी सर्जिकल टेक्निक क्या है, कि टोटली ब्लडलेस सर्जरीज हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, कॉर्डसिल्स डॉट
डॉक्टर अमित गर्ग के नाम पर, या आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6283-37650। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 6283-37650 पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मोहाली में इसमें लिवासा में ही मिलेंगे? लिवासा में। तो बड़ी अच्छी बात है कि अमित सर ने और आपको बीटियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी के बारे में ज्ञान, आपको भी एक नया ज्ञान मिला होगा आज की डेट में, काफ़ी सारे दर्शकों को, काफ़ी उनको पता भी होगा पहले से, लेकिन ये चीज़ क्योंकि भारत में इतनी पॉपुलर नहीं है इसीलिए इसके अवेयरनेस के लिए सर घूम रहे हैं जगह जगह, और उसी एक कड़ी में हमको भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था और आज हमने इंटरव्यू किया। पसंद आया होगा आपको तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। और सर लास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बढ़िया जानकारी है। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।